आदाब, कैसे हैं सर? आशीर्वाद, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर, प्लेजर माय। हजरत, आप लोग अगर बैठें तो मैं खान साहब से और गजेंद्र सिंह जी से कुछ बात करूँ। खान साहब, यहाँ तशरीफ लाएँ और तशरीफ रखना। बस हुजूर, आपसे मुलाकात तो फिर ब्लू मून से भी कुछ और ज़्यादा गहरी चीज़ होती हो तब होती है। अभी शान भी कह रहे थे, सोनू भी कह रहे थे कि उस शो में जहाँ आपके सबब बहुत और लोगों से मुलाकात और इस अजीम शख्सियत से भी मुलाकात हुई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है शान के साथ? शान के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। बहुत ही स्वीट, बहुत ही ऑनेस्ट है। इनकी एक खासियत है कि कुछ भी बोल दिया जाए इनको करने के लिए, कभी मना नहीं करते हैं। कीप्स द शो गोइंग। या आप तशरीफ रखिए, मैं खान साहब से कुछ बातें करता हूँ। हाँ साहब, शान भी जिक्र कर रहे थे, सोनू ने भी जिक्र किया कि आपसे मुलाकात हुई उस शो पर, और आप दोनों जो हैं शागिर्दी का शर्फ भी हासिल किए हुए हैं। तो ये मैं कहने को नहीं, आपसे इसरार करूंगा कि भाई सोनू और शान के बारे में इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली कोई चीज़ कहें, लेकिन जनरली जो ट्रेंड अब है कि यंग सिंगर्स में, कि अब तवज्जो हो रही है क्लासिकल सिंगिंग की तरफ, या वो जाना सीखना चाहते हैं, वो इसकी तरफ उनका ध्यान जा रहा है कि भाई जब तक ये बुनियादी बातें हमारी पकड़ में नहीं आएंगी, उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप बात करें। ये इन लोगों का बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत मशहूर होने के बाद अगर इस तरफ ध्यान जाए तो मैं, उनके दिल ज़िंदा हैं, वो ख़ुद भी ज़िंदा हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसा कि मैंने कहीं और भी कहा था, शोहरत एक चांस है लेकिन विद्या एक चांस नहीं है, इल्म जो है वो एक चांस नहीं है। अब इतने अच्छे मकाम पर सोनू भी माशाल्लाह, और ये भी, और हमारे कई शागिर्द लोग हैं, इस वक्त बहुत से शागिर्दों का जिक्र करना ठीक नहीं, लेकिन इतनी लगन से ये लोग रियाज करते हैं, और शान तो मेरा करीब रहता है तो ये ज़रा जल्दी जल्दी पकड़ लेता है। इनमें अच्छी गिफ्ट है, अल्लाह ने बड़ा नवाज़ा है, और मुझे बड़ा फ़ख्र है और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और अल्लाह इन लोगों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। नवाज़िश। खान साहब, आप तशरीफ़ रखें, मैं एक आखिरी लफ्ज़ जो है शान के साथ